वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप आप लोग सभी कोई अच्छे होंगे। सो गाइस, मेरा ये गेटअप देख करके आप लोग जान गए होंगे और थंबनेल और टाइटल से तो जान ही गए होंगे कि ये हॉल वीडियो क्या होने वाला है। सो हाँ गाइस, आज मैं आप लोग सामने शेयर करने वाली हूँ ज्वेलरी हॉल वीडियो फ्रॉम मीशो, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में होने वाला है आज का ये हॉल हमेशा की तरह। और गाइस, सभी ज्वेलरी जो है ना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी है, आप किसी भी फेस्टिवल में से वेयर कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और कुछ को मैंने ना अभी अनबॉक्सिंग कर लिया और कुछ को नहीं किया, तो ऑन कैमरा मैं अनबॉक्सिंग करूंगी। तो चलो गाइस देख लेते हैं कि कैसा कैसा प्रोडक्ट हमको रिसीव हुआ है। बहुत ही छोटा मोटा सा हॉल वीडियो होने वाला, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जितने भी है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से है और अफोर्डेबल प्राइस में है। इस लाइव चली गई यहाँ पे, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल में चल रहा है गिव अवे, जो कि मैं इस मंथ के लास्ट में विनर अनाउंस करने वाली हूँ। जो अभी भी गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया वो अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। गिव अवे का रूल्स वगैरह अगर आपको जानना है गाइस, तो इस थंबनेल वाले वीडियो को जाकर के चेक कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, वहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। सारे रूल्स वगैरह सब कुछ आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस हॉल वीडियो में करने वाली हूँ आप लोग के साथ में क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको इस हॉल वीडियो में ही मिलने वाला है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल पे विजिट किए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना वीडियो को और कमेंट करना बहुत सारा। और अगर पहले से सब्सक्राइब करके रखे हुए गाइस, तो थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सबसे पहले मैं इस हॉल वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, जो कि इस हॉल वीडियो का मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सा। आपने देखा होगा गाइस, अभी चल रहा है बेला वीटा का परफ्यूम, बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज्यादा उसका एड आ रहा है। तो ये चीज ना मैंने मीशो में भी चेक किया, मीशो में भी मुझे दिखा, रैंडमली मैं चेक कर रही थी तो मुझे दिखा, ऑर्डर किया। बाय द वे मैं इसे चेक कर ली हूँ गाइस, इसका स्मेल वगैरह सब कुछ मैं ले ली हूँ और इसकी खुशबू से मैं पागल हो गई। इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सा फ्रेग्रेंस है गाइस। तो मैं ना, ये बेला वीटा का लग्जरी परफ्यूम है, ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आपको रिसीव हो जाएगा गाइस। कुछ ऐसा सा पहले ओपन होता है, ये देखो कुछ ऐसा सा है। मैंने इसे यूज करके फिर अभी मुझे वीडियो बनाना था, इसको फिर से मैं बॉक्स में डाली हूँ। तो ये बहुत ही क्यूट सा है गाइस, ये देखो इतना सही है। 20 ml का है ये बॉटल, बहुत ही अच्छा सा ट्रांसपेरेंट सा है, इसका कलर बहुत प्यारा है, बॉटल बहुत खूबसूरत सा है, एकदम लग्जरी फील हो रहा है इसको देख करके। इसमें वैरायटी है ना, वो सभी को मैं ऑर्डर करने वाली हूँ। तो इसका तो फ्रेग्रेंस गाइस बहुत ही प्यारा है, ये है बेला वीटा लग्जरी का स्काई एक्वाटिक परफ्यूम, कुछ ऐसा सा है। इसकी खुशबू ना गाइस, मतलब ना इसको लगा करके आप बीच वगैरह पे जा सकते हो, बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है। तो आप ना इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसे ऑर्डर कर लीजिएगा। और भी है इसमें, बाकी उस सब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इसका फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही प्यारा लगा, स्पेशली अभी समर के टाइम पे में तो ये परफेक्ट है। बाकी फर्स्ट प्रोडक्ट आज के हॉल वीडियो का, चलो अब देख लेते नेक्स्ट वो क्या है और कैसा रिसीव हुआ है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, उसे भी मैं ओपन करके देख ली हूँ। तो जो ना सबसे पहले जो ओपन कर ली हूँ, पहले उसे ही आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, फिर उसके बाद में जिसे मैं चेक नहीं करी उसे देखेंगे। तो लिप ग्लॉस ऑर्डर किया है, जो कि है रॉन्जिल का नो मोर चैप्ड लिप्स, ये ऐसा है। इसमें शेड मैंने ऑर्डर किया है 06 और अभी मैंने इसे ही लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा सा है गाइस। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और ना बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुआ, ये है इसका कुछ ऐसा सा मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है गाइस। इसका कलर बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब ऐसा ना न्यूड टाइप का कलर है, बहुत ही प्यारा चॉकलेटी वाला है, ऐसा लगता है कि इसको खा जाओ, पर खाना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ऐसा सा है। मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट, कुछ ऐसा सा ये आएगा। भी इसका बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और भी कलर ऑप्शन है तो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने इसका शेड मंगाया है 06 और जो मैंने ऑर्डर किया था वही मुझे रिसीव हुआ है। तो इसे भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँ कि आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो चलो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं वो कैसा रिसीव हुआ है। प्रोडक्ट है गाइस वो ये है, ये इयररिंग है, जो कि मैंने इसे भी चेक कर लिया है। नेक्स्ट जो इयररिंग है ना वो ऐसी है, अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रही थी, मैं बहुत लेट में वैसे आप लोग को ये दिखा रही हूँ, आप लोग देख चुके होंगे मुझे पता है, बट मैंने ऑर्डर नहीं किया था इसलिए मेरे लिए नया है। सो गाइस, ये कुछ ऐसी सी बाली है, तो ये कुछ ऐसा सा है, बहुत सुंदर लग रहा है वैसे तो देखने में, पर ये बहुत ही बड़े साइज में है,
मैं देखी जो भी मैं ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह मंगाती हूँ ना, वो मतलब हद से ज्यादा ही बिग साइज में आ जाता है। तो ये भी बिग साइज में ही है, ये देखो जैसा मैंने ऑर्डर किया था ना, ये सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है। देखो इसकी क्वालिटी वगैरह, इसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। रिकमेंड करूंगी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में भी है गाइस, इसका प्राइस जो है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। तो चलो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं वो कैसा रिसीव हुआ है। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस वो ये है, इसका शॉर्ट्स वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में। पर्ल के साथ में मिलेगा छोटी छोटी वाली ना, इसमें क्रीम कलर में पर्ल का पूरा ऐसा डिटेलिंग है और सेंटर में आपको कुछ ऐसा सा एडी टाइप का जो स्टोन होता है ना, उस टाइप से इसमें वर्क किया गया है। बहुत मुझे पर्सनली ये बहुत ही प्यारा लगा और इसकी मोती भी जो है ना बहुत ही अच्छी छोटी छोटी सी है ना, तो बिल्कुल भी चुभ नहीं रही थी। मैंने इसे पहन के देखा था तो चुभ बिल्कुल भी नहीं रहा था, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। किसी भी पार्टी फंक्शन में भी आप ये आराम से पहन सकते हो, किसी भी फेस्टिवल में आप ये आराम से पहन सकते हो। बहुत ही ज्यादा क्लासिक लुक आता है इस टाइप के पर्ल वाली ज्वेलरी के साथ में। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सा इसको लूज या फिट करने के लिए आपको मिल जाएगा। और एक और एक्स्ट्रा मुझे मिला है यही चीज, सेम चीज। और इसमें मुझे इयररिंग भी रिसीव हुआ है गाइस, जो भी कुछ ऐसा सा है। ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। तो इसका जो पूरा सेट ही है ना गाइस वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। बहुत ही इयररिंग में ना, बस मुझे जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी खराबी है या कोई भी कमी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कि जो ये है, ये पीछे जो जिसे हम पेच लगाते हैं ना, ये एकदम ऐसा सेंटर पे, मतलब ऐसा, मतलब सॉरी ऊपर में है ये ऐसा। तो इसको पहनने के बाद में ना ये मतलब इसका लुक उतना अच्छा नहीं आता। अभी यही वाला जो है ना, अगर ऐसा सेंटर पे होता, बीचों बीच आता तो ये और अच्छा लगता। इसको पहनने के बाद में ना तो ये ऐसा नीचे लटकता है, और अगर जिसके कान के जो मतलब होल है वो अगर वो बड़े हैं तो वो शो होते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है इस टाइप के पैटर्न में ऊपर रहता है। तो ये बस मुझे दिक्कत होता है, कोई भी इयररिंग में लेती हूँ ना तो ये चीज जरूर चेक करती हूँ। बाकी इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी गाइस, इसे मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं वो कैसा रिसीव हुआ है। अब आया है हाथ मेरे ये पैकेट, और ये इतने बड़े पैकेट में ना सामान बस इस कोने में है, इतने से जगह पे है ये सामान। और इसमें जो है गाइस वो प्रोडक्ट है हम सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही जरूरी सामान। तो चलो इसको देख लेते हैं कैसा रिसीव हुआ है। ये है गाइस मंगलसूत्र, तो चलो इसे चेक कर लेते हैं कैसा है। अपनी पास सितारा प्रतिक्रिया दे, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो गाइस जैसे कि इसमें लिखा है 5 सितारे दे, क्योंकि हमारे दिए हुए 5 सितारे इनके लिए महत्वपूर्ण है। बस गाइस उसी तरह आप लोग मेरे वीडियो को 5 सितारा दो, लाइक करो, शेयर करो, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओ वाह, बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये तो। सो गाइस ये है मंगलसूत्र, डबल लेयरिंग में आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे ना एडी के स्टोन टाइप से देखो, एकदम बारीकी से इसमें ना छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, डेली वियर के लिए परफेक्ट है। या फिर अगर आप कहीं आसपास या कहीं भी जा रहे हैं ना तो वहां भी आप ये पहन करके जा सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। बड़े से क्यूट से आपको इयररिंग मिल जाएंगी इसमें, इसे भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप इसे बिंदास ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं वो कैसा रिसीव हुआ है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस वो ये है, तो चलो इसे भी ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा है, इसमें क्या है। इसमें सबके बॉक्स से मुझे रिसीव हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ऊपर से ही देख करके। फटाक से इसको ओपन करते हैं, मैं बहुत ज्यादा समय लगा रही हूँ। तो गाइस ये है इसका इयररिंग, कुछ ऐसा सा है, ऑक्सीडाइज इयररिंग है ऐसा सा। ये भी बहुत बड़े साइज में आया है, इसमें कलरफुल से स्टोन लगे हुए हैं और अच्छा लग रहा है। वेट तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसमें भी वही प्रॉब्लम है गाइस जो कि मुझे पसंद नहीं है। यही जो इसकी डंडी है ना पेच लगाने वाली, वो इस टाइप से थोड़ा सा नीचे रहता,
तो परफेक्ट होता, बस मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो इसमें मुझे ये दो इयर रिंग मिली है और सेम इसी साइज का मुझे इसमें रिंग मिला है। सो गाइस, इसके लिए भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इसको लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। क्वालिटी वाला रिंग और रिंग का आपको सेट मिल रहा है तो उस हिसाब से मुझे लगता है वर्थ इट है, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं वो कैसा हमें रिसीव हुआ है। सो गाइस, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कलरफुल से बैंगल, जो कि मुझे रिसीव हुआ था और जिसे मैंने रिटर्न भी कर दिया। रिटर्न क्यों किया है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, तो चलो देख लो कि मैंने रिटर्न क्यों किया। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ना कांच की चूड़िया ऑर्डर की थी जो कि इस टाइप के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था। बाकी पैकेजिंग वगैरह उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब जिस हिसाब से इसमें कांच का प्रोडक्ट है तो जैसे पैकेजिंग होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। और मुझे ना यहाँ पे टोटल 12 कलर रिसीव हुए थे और 10-10 का पीस था, 12 दर्जन मतलब एक दर्जन भी नहीं था, 10-10 का पीस था। और गाइस सभी में ना 2-3 चूड़िया जो है ना मुझे टूटी हुई ही रिसीव हुई थी, सबको मैंने ओपन नहीं किया था। एक ये रीजन, दूसरा रीजन ये था गाइस कि मैंने ना 3 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, मतलब ना 580 का मैंने 3 क्वांटिटी ऑर्डर किया था, मतलब 12x12x12 इतनी चूड़िया मेरे पास में आनी थी, बट मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 कलर ही रिसीव हुए, मतलब एक ही बॉक्स रिसीव हुआ। आप लोग समझ रहे होंगे आई थिंक। तो इस टाइप से ना गाइस हर कलर में चूड़िया जो है मुझे टूटी हुई रिसीव हुई थी, तो इसलिए मैंने ना इसे रिटर्न कर दिया। सेकेंड डे पे मैंने इसे रिटर्न कर दिया। एक क्वांटिटी का ना 200 इसका प्राइस था, तो मैंने ना 3 क्वांटिटीज में ऑर्डर किया था, देख लो 580 मैंने पेमेंट किया था, बट मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स रिसीव हुआ, तो इसलिए मैंने इसे फटाक से रिटर्न कर दिया। बाकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी, कलरफुल सी थी चूड़ी, बहुत अच्छी लगी। कंगन के साथ में आप इसे अलग अलग टाइप से स्टाइल कर सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा गाइस कि आप कांच की चूड़ियाँ ऑनलाइन शॉपिंग करो, बाकी चूड़ी कलरफुल थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइस वो ये है, इसमें से ना एक तो जो इयर रिंग है उसका कोड मुझे किसी ने मतलब कमेंट किया था तो मैंने वो ऑर्डर किया था, तो अच्छा वो यही है गाइस। हाँ देखो ना, जिस तरीके से ऐसे रैप करके हर पार्सल आया है, अगर उसी तरीके से बैंगल भी बहुत अच्छे से सिक्योर करके अगर भेजे होते तो शायद ही वो टूटता। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो ना जिन्होंने भी इसका मुझे कॉमेंट किया था कोड, तो आप इसे आंख बंद करके ऑर्डर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा है। पूरा आपको व्हाइट स्टोन का डिटेलिंग मिल जाएगा। ये झुमकी जो है ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है गाइस, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसका वर्क, इसका फिनिशिंग, मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ज्यादा वेट भी नहीं है इसका, बट हाँ आप बहुत देर तक इसे कैरी नहीं कर सकते हो। किसी भी फंक्शन वगैरह में जा रहे हो तो 2-3 घंटे के लिए आप इसे पहन सकते हो, फेस्टिवल में आप इसे पहन सकते हो, पूरा दिन भर तो बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। और हाँ, इसका पेच जो है वो देखो ऐसा सेंटर पे है, तो इस टाइप का मुझे अच्छा लगता है, देखो ऐसा सेंटर पे है। तो गाइस ये ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर्सनली बोल रही हूँ, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और भी कलर ऑप्शन है तो आप इसमें जा सकते हैं। ये मुझे इसका कोड दिया था, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मुझे ये रिसीव हुआ है। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस वो ये है और एक और प्रोडक्ट बस बचा हुआ है। वाओ, सो गाइस ये है पर्ल वाली इयररिंग, कुछ ऐसी सी है। इसका कैटलॉग मैं आपको साइड में लगा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये, ज्यादा अच्छी लग रही है। इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी है, एकदम व्हाइट वाला नहीं है, थोड़ा ऐसे जो येलो टाइप का पर्ल होता है ना उस टाइप का है, एकदम ज्यादा ना व्हाइट नहीं है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुआ है, साइज वगैरह भी मुझे परफेक्ट लग रहा है। और दूसरा ये है, तो चलो इसे भी ओपन कर लेते हैं। ओ वाओ गाइस, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस ये भी। तो मुझे कॉम्बो रिसीव हुआ है ये, तो गाइस ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसे भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी गाइस, आप इसे ऑर्डर कर सकते। मतलब मीशो पे ज्वेलरी की कितनी सारी वैरायटी, वो भी इतने अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में, इतने प्राइस में इस टाइप से दोनों कॉम्बो मुझे रिसीव हुआ है गाइस। मुझे बहुत दिल खुश हो गया ये वाली इयरिंग मुझे देख करके, ये बहुत पर्सनली बता रही हूँ गाइस, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसे भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, आप इसे ऑर्डर कर लीजिएगा। आज की इस हॉल वीडियो का जो क्वेश्चन है ना गाइस वो ये है, आपको ये बताना है कि आज की इस हॉल वीडियो में मैंने इयरिंग कितने दिखाए,
ये आपको बताना है, वो भी जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताना है। और वीडियो को जितना हो सके उतना आपको शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोलो गिव अवे में पार्टिसिपेट करें, और जितना हो सके उतना वीडियो को लाइक और बहुत सारे कमेंट करें। लास्ट जो प्रोडक्ट है गाइस वो ये है, इस टाइप के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है। इसे ओपन करने का पहले जुगाड़ अपने को देखना पड़ेगा, तो मैं इसे ओपन कर लेती फिर आप लोग को दिखाती हूँ। और इसमें है क्लचर, क्लचर बोल दे रहे क्लचर क्लचर। तो गाइस ये है तीन का सेट और बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुआ है। तो गाइस ये ना ऐसे देखो मैट फिनिश में ये मुझे क्लचर रिसीव हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी लग रही है इसकी, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। तो तीन का सेट मुझे रिसीव हुआ है, एक क्लचर के लिए बोल सकती हूँ, आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, हाईली रिकमेंड करूंगी। प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ ऑसम आई है। ये था आज का हॉल वीडियो, आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा, आप लोग ने एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइस तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना है, बहुत सारा सपोर्ट दिखाना है। अगस्त के लास्ट हमें 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, एनी हाउ करने ही है गाइस। तो ओके गाइस मैं मिलती हूँ बहुत जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।